नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, रीट का एग्जाम आप सभी ने दे लिया और अब आप वेट कर रहे हैं 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी की, जो कि राजस्थान में आने वाली है। और आप ये समझ रहे हैं कि रीट का जो रिजल्ट आएगा इसके आधार पर ये थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ही इस बारे में शिक्षा मंत्री ने बयान जारी किया है, जिसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कुल मिला के आपको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद कि रीट के बाद जो 31,000 टीचर भर्ती होनी थी उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। दूसरी बात, इसकी आंसर की यानी कि ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी, इसका रिजल्ट कब जारी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सेंटर्स कौन कौन से हैं जहां पर एक बार फिर से रीट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा, यानी कि वहां रीट का एग्जाम रिपीट किया जाना है। तो ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो यहाँ बात कर रहे हैं रीट के एग्जाम को लेकर के। रीट का एग्जाम हो चुका और काफी सारे ऐसे सेंटर्स थे जहां पर शिकायत आई, और हमेशा की तरह वही हुआ। सरकार ने पूरे प्रयास किए, उसके बाद भी जो सॉल्वर गैंग थे उन्होंने इनको पेपर्स को आउट करने की पूरी कोशिश की, और पेपर आउट्स हुए भी हैं, लेकिन सरकार कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार के अपने नियम कायदे होते हैं। पेपर आउट किस प्रकार होता है उनके नियम कायदे अलग होते हैं मानने के, और हमारे हिसाब से अलग होते हैं। फिर भी सबसे पहले बात कर लेंगे अलवर जिले के नीमराणा में जो सेंटर था, जिसका मैंने लास्ट वीडियो बताया था, विद प्रूफ आपको बताया था कि यहाँ सब गड़बड़ झाला हुआ है। फिर भी सरकार ने वहां पेपर आउट नहीं माना, बल्कि यही माना है कि वहां स्टूडेंट्स ने पेपर का बहिष्कार किया, और 600 ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई बहन जिनका दोबारा से एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पारी फर्स्ट में यानी कि लेवल 2 का जो एग्जाम होना था वो दोबारा से होगा। कमला देवी कॉलेज का नाम है, सेंटर है ढीकवाड़, ठीक है ना, मांडण के पास है, अलवर जिले के नीमराणा के समीप जो सेंटर था। अब आप ये देखिए कि ये एग्जाम कब होने वाला है। तो सरकार का कहना है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये एग्जाम दोबारा करवा लिया जाएगा। इसी सेंटर पे होगा या किसी और सेंटर पे होगा या क्या व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया। अब बात कर लेते हैं कि रीट के रिजल्ट की। एक्चुअल में आज प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी का रिजल्ट भी आया है। इसमें एक तथ्य निकल के आया है कि लास्ट ईयर जहां प्री डीएलएड या फिर बीएसटीसी में 6.70 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, इस बार केवल 4.70 लाख बैठे, यानी कि 2 लाख सीधे घट गए। इसका रीजन, रीट में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों जगह ही बीएड स्टूडेंट्स को अपीयर किया गया। अब यहां मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और इसका रिजल्ट भी रुकेगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार रीट एग्जाम तो करवा सकती है, लेकिन बीएड वाले मामले पर फैसला आने से पहले इसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकती। ये भी क्लियर है, शिक्षा मंत्री ने आज ये बात भी कही है कि रीट का जो रिजल्ट है वो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट अलाउ करता है कि लेवल 1 में बीएड वालों को अपीयर किया है तो उनका रिजल्ट जारी किया जाए, तब तो उनका रिजल्ट लेवल 1 का भी जारी होगा, वरना उनका रिजल्ट केवल लेवल 2 का जारी होगा और उन्हें लेवल 1 के अनुसार योग्य नहीं माना जाएगा। पास होने के बाद भी भर्ती में प्रॉब्लम आ सकती है और ये मामला एक बार फिर से उस हिसाब से कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये रीट के रिजल्ट को लेकर के, रीट का रिजल्ट सरकार का कहना है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कोई चीज नहीं बताई कि 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, कुछ भी नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि रीट का रिजल्ट हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। लेवल 1 में बीएड अपीयरेंस को लेकर के जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके अधीन रहेगा। ये इसके रिजल्ट की बात हुई। ऑफिशियल आंसर की जहां तक बात है, तो फिलहाल ऑफिशियल आंसर की कम से कम 20 दिन तक तो जारी नहीं होगी। रीजन, वो जो सेंटर्स हैं जहां दोबारा से एग्जाम होना है वहां से एक बार एग्जाम दोबारा होगा और फिर उसके बाद ही ऑफिशियल आंसर की जारी होगी। वैसे इसकी आंसर की विभिन्न प्रकार के संस्थानों की ओर से जारी कर दी गई है, मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है आपकी अपनी वेबसाइट पर। आप इस वेबसाइट पर जाकर के बड़े आराम से सभी सब्जेक्ट की आंसर की को देख सकते हैं। SS, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, लैंग्वेज, सभी की आंसर की आपको यहां मिल जाए। तो अब बात ये आ रही है कि रीट के रिजल्ट आने का हम सबको वेट है, और ये वेट है कि मान लीजिए हम रीट में अगर मेरिट में आते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ साफ कहा है कि रीट के रिजल्ट के आधार पर भर्ती नहीं होगी। रीट का रिजल्ट बनेगा, उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर भर्ती नहीं होगी। 31,000 टीचर्स की जब भर्ती निकलेगी तो उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपकी भर्ती होनी है। तो कुल मिला के एक बात कहना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री, मैं भी आपको लगातार बताना चाह रहा था कि इस बार जो रीट का एग्जाम था वो काफी सरल माना गया है। तो लेवल 1 और लेवल 2 में आप एक एग्रीगेट मान के चलिए तो 125 से 130 के बीच अगर किसी के अंक आते हैं तो ही आप 31,000 में सिलेक्शन की बात मान के चलिएगा। अब काफी सारे ऐसे बड़बोले भाई आपको जरूर मिल जाएंगे यहाँ कमेंट बॉक्स में जो ये कहेंगे कि इतने नंबर कैसे लाए, लेकिन ये एक आकलन मोटे तौर पर है।
आज सभी मीडिया में भी आया है, तो आपको ये नंबर लाने पड़ेंगे। 125 से नीचे जिसके नंबर है उनके सिलेक्शन की संभावना कम हो सकती है, तो ये बात ध्यान रखना। रीजन कि 16 लाख तो इसमें मेरे भाई बहनों ने फॉर्म भरे थे और एग्जाम दिए, एग्जाम का जो उपस्थिति प्रतिशत था वो भी 87-88 के आसपास रहा है, तो करीब करीब सभी लोग एग्जाम में बैठे, और सीटें केवल 31,000 है, ऊंट के मुंह में जीरा। अगर 10,000 सीट बढ़ भी जाती है, 48,000 के आसपास हो भी जाती है, 40,000 के आसपास हो भी जाती है, तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, इसलिए यहां उसी का सिलेक्शन होगा जो हाई मेरिट बना पाएगा। अदर स्टेट हो चाहे राजस्थान वाले हो, सभी तरीके के लोगों के लिए, सभी तरीके के भाई बहनों के लिए ये जो मापदंड है वो खरे उतरेंगे, यही मान्य होंगे। अब ये देखना है कि कितना मामला कोर्ट में जाता है, कितना अटकता है, क्योंकि लेवल वन और लेवल टू में बीएड को लेकर के मामला कोर्ट में जा सकता है, ऑलरेडी चल रहा है, वहां फैसले का दिन रिजल्ट आएगा। अब जो लोग पास होंगे लेवल वन में बीएड वाले, तो वो चाहेंगे उनको नियुक्ति मिले, तो वो फिर से एक बार मामला कोर्ट में जाएगा। कुल मिला के भर्ती की स्थिति अभी भी साफ सुथरी नहीं है, एग्जाम सरकार ने अच्छे प्रयास किए, साफ सुथरा कराया, बाकी गंदगी सभी जगह मिलती है, जो सॉल्वर गैंग टाइप के लोग होते हैं इस तरह की गंदगी समाज में सभी जगह मिलेगी, तो उन पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमारी मेहनत हमारे काम आने वाली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूज़ के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।